वरंगल रहबर हेल्पिंग फाउंडेशन के तत्वाधान में मंडी बाजार दरगाह के पास पूर्व मंत्री एमएलसी बसवा राजू सरैया के बेटे बसवा राजू श्रीमन के हाथों करीब 200 अनाथों तथा जरूरतमंदों को नाश्ता कराया गया। रहबर हेल्पिंग फाउंडेशन के बारे में बोलते हुए उन्होंने कहा, अतीत में रहबर हेल्पिंग फाउंडेशन गरीबों की शादी करने, बीमारों को बेहतर चिकित्सा देखभाल प्रदान करने और लोगों की कई तरह से मदद करने में मदद करता। इस कार्यक्रम में 25वीं डिवीजन कमेटी के सदस्य एस के अमीरुद्दीन, एमडी याकूब पाशा, एमडी नसरुद्दीन, एम के साहिल, एमडी जहीर, एमडी शफी अहमद, एमडी उपजल, एमडी साजिद और रियाजुद्दीन ने भाग लिया। तेलंगाना वरंगल, नव भारत समाचार से कैमरामैन फिरोज के साथ अक्रम की रिपोर्ट। आज सुबह में जो है ना, हम लोग गरीबों को नाश्ता कमेटी की तरफ से तकसीम किया गया है। और ये हमारी जो कमेटी है, इसमें हम लोग जो है ना, इसको और फॉर्म पे लाकर और गरीबों की मदद करने के लिए, बेवाओं के लिए, गरीब बच्चों की शादी के लिए, और जो है ना, अपन जो बीमार है मौत मट्टी के लिए ऐसा हेल्प करने वाले हैं। आप लोगों के ताउन से, आप लोगों की हिम्मत अफजाई से हम लोग आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह। आप लोगों के दुआओं की गुजारिश, इस रहबर हेल्पिंग पटिशन को आगे बढ़ाने के लिए हमारा भी साथ दीजिए। हम भी आप लोगों का साथ देंगे, आवाम का। आवाम हमारे साथ है, हम आवाम के साथ है। हम जो है ना, आवाम की मदद करेंगे और गरीबों को जो है ना, उनका मकसद जो भी मकसद है, छोटा मोटा जो बीमार है गोलियाँ की, हम उनके लिए जो है ना तहकीक करके उनका अंजाम तय करेंगे इंशाल्लाह। रहबर हेल्पिंग पटिशन की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अहमद शन वरंगल की जानिब से आज सुबह मंडी बाज़ार वसे पाक निशान के पास 100 लोग गरीबों को नाश्ता तकसीम किया जा रहा है। इसका जो है सो, जो भी इसके ताउन करे है, जो भी इमदाद करे है, मैं सभी रहबर हेल्पिंग फाउंडेशन के मेंबर्स को जो सो उनको मुबारकबाद देता हूँ। अल्लाह ताला उनकी कामयाबी अता करे और वो लोग ऐसे ही खिदमत करते रहे। वो लोग रहबर हेल्पिंग फाउंडेशन के लोग जो है सो तमाम वरंगल के जो जिम्मेदार हैं उनसे जो है सो मदद की गुजारिश करते हैं। उनका एक चैरिटेबल ट्रस्ट है, वो लोग चाह रहे हैं कि आप जैसे लोग जो बड़े लोग हैं वो सामने आके डोनेशन दे। तो ये डोनेशन के इमदाद पे जो है सो ये फाउंडेशन टिका हुआ है। तो ये डोनेशन के बेस पे इंशाल्लाह ये लोग कई खिदमत करने के लिए आगे आ रहे हैं।